अगर आपको कोई नाम याद है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करिएगा कि इस रेसिपी का और क्या नाम रख सकते हैं या आपके यहाँ इस रेसिपी का क्या नाम। और ये 2-in-1 है, आप एक ही रेसिपी में दो 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 रेसिपी का टेस्ट ले सकते हैं। कुकिंग के शौकीन और स्वाद के चहेतों का मेरा नमस्कार, मैं हूँ ललिता, दक्षिण के स्वाद यूट्यूब फैमिली में आप सबका फिर से स्वागत है। तो फैमिली मेम्बर्स, इस फेस्टिवल सीजन में मैं आपसे एकदम अथेंटिक आंध्रा स्टाइल फूड रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस है बनने में और जितना डिलीशियस है उतना ही इजी है, इंस्टेंट बन जाएगा। 15 मिनट में आपको ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, मैं 1 मेजरमेंट रख रही हूँ, आप भी 1 मेजरमेंट रख के उसके हिसाब से बना लीजिए। दूसरा की इंग्रेडिएंट है वो है, हम इसमें आज जो शुगर यूज़ नहीं कर रहे, ये स्वीट रेसिपी है तो उसके लिए मैं जैगरी यूज़ कर रही हूँ। और आज आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप भी दूंगी, तो आप पूरी तरह से इस वीडियो में बने रहेगा, मैं बीच में बताऊंगी कहीं पर भी। तो हम जितना सूजी ले रहे हैं उसका डबल हम गुड़ लेंगे, तो यानी मैंने 1/2 कप सूजी लिया है तो 1 कप हम उसका जैगरी लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब उसके बाद अब हम रेसिपी बनाने के लिए किचन में चलते हैं। गैस के फ्लेम को ऑन कर मैंने एक पैन उसके ऊपर रख लिया है और 1 कप पानी डाला है। तो हम जितना सूजी लिए हैं उसका 3 गुना हम वाटर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप वाटर लेकर और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसे मैं मिल्क से ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो मिल्क ऐड कर सकते हैं बाकी 2 कप, अगर आपको मिल्क पसंद नहीं है और अगर आप वीगन हैं तो आप उसको पानी से कर सकते हैं। तो टोटल हमारा 1 कप सूजी, 3 कप पानी और 2 कप हमें इसमें जैगरी चाहिए। आप फिर से याद कर लीजिएगा, 1 कप सूजी, 2 कप गुड़ और 3 कप पानी। तो आप इस हिसाब से बनाएंगे तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा और ये एक देसी कुकिंग रेसिपी है। तो अब हमारा जैसे ही मिल्क एक बॉयल हो गया है, उबल गया है, तो उसके बाद हम उसमें 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप उसमें घी ऐड करिएगा। अगर आप वीगन हैं तो आप उसके जगह ऑयल ऐड कर सकते हैं, अगर वीगन नहीं हैं तो आप इसमें घी ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद हम इसे गोल गोल घुमाते हुए हमारे जो सेमोलिना हमने बाजू में रखा था ना उसे डाल लेंगे। आप यहाँ पर उसको हाथ बिना छोड़े ही मिक्स कीजिएगा। इस तरह से मिक्स करने से उसमें एक क्रीमी टेक्सचर आएगा, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है और हम इसमें इसे मिल्क के साथ बना रहे हैं, यानी हम दूध के साथ बना रहे हैं ना, तो एकदम एक क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब इसे मैंने फ्राई नहीं किया है सेमोलिना को, हमारी इस रेसिपी के लिए हमें फ्राई नहीं करना है, आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें ये स्टिक्की चाहिए। अगर हम सेमोलिना को फ्राई कर लेंगे तो स्टिक्की नहीं रहेगा। और पूरा जब हमारा सेमोलिना अच्छे से उबल जाएगा, हमारी सूजी अच्छे से उबल गई है, गल गई है, उसके बाद इसमें हम 1 कप गुड़ ऐड कर रहे हैं, यानी 1/2 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप गुड़ लिया है और उसे भी उसमें डाल के हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम हलवा के जैसे बनाएंगे, तो समझ लीजिए हलवा ही है लेकिन बिना ड्राई फ्रूट का। अगर आप इसे हलवा के जैसे यूज़ करना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स अब आप डाल सकते हैं, पर मैं आज इसको हलवा नहीं बना रही हूँ। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो सूजी अप्पालू है, जो देसी कुकिंग स्टाइल का है। तो इसमें मैंने इलायची भी नहीं डाला है, पर अगर आपको चाहिए तो आप इसमें इलायची और केसर मिक्स कर सकते हैं। और ये जो है ना, हम लोग वरलक्ष्मी शुक्रवार के 9 प्रकार के भोग बनाए थे तो उसमें से एक रेसिपी है, तो मैंने इसे दिखाया है और बाकी मैं धीरे धीरे दिखाऊँगी। तो फ्रेंड, ये जो रेसिपी है ना इजीली और एंड क्विक और इंस्टेंट है, क्योंकि आप तो देखिए बातों बातों में हमारा हलवा तैयार हो गया है। तो मैं इसे कढ़ाई में से प्लेट में निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए, या फिर एक उपाय या ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपका वर्क बहुत जल्दी हो जाएगा गुड़ को मेज़र करने में। तो ये 1 किलो का गुड़ है जिसे मैं अभी इस तरह से कट कर रही हूँ, तो मुझे बार बार गुड़ से कोई ना कोई काम करती ही रहती हूँ। हमारे यहाँ जैगरी को बहुत यूज़ करते हैं तो मैं उसको एक बार मेज़र करके रख लेती हूँ। तो हमारा 1 किलो गुड़ अगर हम इस तरह से हम काटेंगे, कट करेंगे पाउडर के रूप में, तो ये 5 कप आते हैं। तो मैं देखिए मैं मेज़र करके डब्बे में रख लेती हूँ, ये 5 कप आता है। तो हमारे 250 ग्राम कप से 5 कप आता है। तो आप सोचेंगे कि मैंने नापा क्यों, तो एक दिन मेरी बेटी ऐसे ही मुझे फ़ोन करके, वो फ़ोन पे पूछी कि 1 किलो में कितने कप आते हैं गुड़, तूने कभी मेज़र किया है कि हम,
क्योंकि वो करौंदे का जैम बना रही थी और छोटे बच्चे हैं ना तो उसको बार बार वो नाप करने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो मैंने उसे नाप करके उसे बताया था। तो फैमिली अगर आपको ये किचन हैक यूज़फुल लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करेगा कि आप। तो चलिए वापस हम रेसिपी में चलते हैं। तो आज की जो हमारी डिलीशियस फूड रेसिपी है तो उसके लिए जो अगला स्टेप है वो है हम एक कप मैदा लेंगे और उसे मैं छान लेती हूँ। तो हमने जिस कप से या जिस मेजरमेंट से हमने सूजी लिया है उसी कप से हम मैदा भी लेंगे। तो मैंने आधा कप सूजी लिया है सिमेलिना, तो आधा कप हम मैदा भी लेंगे, ऑल पर्पस फ्लोर भी लेंगे और उसे हम छान लेंगे और उसके बाद हम उसमें। तो फैमिली मेम्बर्स अब इसमें हम स्वाद के लिए हम इसमें आज 1 पिंच मैंने पिंक सॉल्ट ऐड किया है, जिससे कि हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा जायका आएगा और उसके बाद और इससे ये हमारी रेसिपी बने एकदम डिलीशियस फूड रेसिपी बनेगी। तो फैमिली मेम्बर्स इसमें मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है। अगर आप वीगन हैं तो आप ऑयल ऐड कीजिएगा, सेसमी ऑयल या पीनट ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या आपके पास जो भी ऑयल हो आप उसे ऐड कीजिएगा। हेल्थी ऑयल्स यूज कीजिएगा जिससे कि हमारी रेसिपी हेल्दी फूड रेसिपी बनेगी। तो उसके बाद मैंने इन सब को ऐड करने के बाद अच्छे से उसे हम मिक्स करेंगे जिससे कि हमारा घी अच्छे से उसमें बाइंड हो जाए। तो मैं इसे एकदम एक बार अच्छे से क्रम्बल जैसे हम उसको मिक्स करेंगे। जैसे देखिए मैंने इतना मिक्स किया कि हमारा आटा क्रम्बल जैसे हो गया। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करते हुए हम उसे एक चपाती के डोके जैसे बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करते हुए हम इसको चपाती या पराठे के आटे के जैसे इसे हम गूथेंगे, क्योंकि हमें जो आटा चाहिए वो हमें पूरी के जैसे सख्त नहीं चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए, हमें चपाती के जैसे मीडियम डो चाहिए। जिससे कि आज हम सूजी अप्पालू बना रहे हैं। आंध्रा में ना ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, ये ऑथेंटिक आंध्रा स्टाइल। अप्पालू का मतलब है एक तरह का अनरसा समझ लीजिए, इंस्टेंट या क्विक अनरसा कहते हैं इसको। क्योंकि ये जो अप्पालू है ना ये हम बजरंग बली को भी हम चढ़ाते हैं, माता जी के पूजा में भी हम इसको बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं, यानी जब भी आप कोई पूजा करेंगे तो ये जल्दी बना के चढ़ाते हैं। तो ये अप्पालू ना बहुत ही अलग अलग फॉर्म में बनता है, गेहूं के आटे से बनता है, चावल के आटे से बनता है, रागी के आटे से बनता है। इसमें इतनी वेराइटीज़ होती है कि जितने बना सको उतनी है। पर आज मैं आपको जो वेराइटी सिखा रही हूँ वो हम मैदे से बना रहे हैं, ये जल्दी भी बन जाता है और ये स्वीट रेसिपी है। तो फैमिली मेम्बर्स आज दक्षिण के स्वाद में किसी भी प्रकार के मसाले किचन में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो रेसिपी है वो एक स्वीट डिश है और एकदम क्विक इंस्टेंट बन जाता है, फटाफट आप 15 मिनट में इसको बना के रेडी कर सकते हैं। अब फैमिली कभी कभी बाई मिस्टेक हम इस तरह हलवा को जब मैश करते हैं तो अगर वो आपको ऐसे लड्डू नहीं बन रहा है तब क्या करें, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त आप इसमें या तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मिला सकते हैं एक टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून, और अगर वो भी नहीं है तब हम उस समय पोहा बनाने वाले चिवड़े को हम मिक्सर जार में डालकर पाउडर बनाकर इसमें मिला सकते हैं। कभी कभी अगर सूजी की क्वालिटी अच्छी ना हो तो ये प्रॉब्लम आता है। और हमने दूसरी तरफ मैदे को 2 मिनट के लिए हमने भिगो के रख लिया है और जब तक कि वो रेस्ट करता है हम इस तरह से हलवे के लड्डू बना। तो अब ये बॉल्स कितने बनेंगे ये हमारे पूरी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक मीडियम यानी लेमन साइज बॉल्स बना रही हूँ जिससे कि हम मीडियम पूरी बनाएंगे। तो मतलब है ये स्टफ्ड स्वीट पूरी है जो हम हलवा से स्टफ करके स्वीट पूरी बनाएंगे, जैसे आप कचौरी बनाते हैं या फिर स्वीट कचौरी। हाँ स्वीट कचौरी, तो इसका नाम हम स्वीट कचौरी रखते हैं। अगर आपको कोई नाम याद है तो आप तुरंत मुझे कमेंट करिएगा कि इस रेसिपी का और क्या नाम रख सकते हैं या आपके यहाँ इस रेसिपी का क्या नाम है। हाँ 7 बॉल्स बने हैं, तो एक बार इसको यहाँ पर हम क्लीन भी कर लेते हैं क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर पूरी फिर से बनानी पड़ेगी। और इस रेसिपी में बनाने में खास बात यह है तो मैं आपको किस 2 तरह से बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो जिसके पास जिस दो हम इसको 2 वेरिएशन में बनाएंगे तो हमारा आटा देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, एकदम से स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि हमारे आटे को आज स्ट्रेच होना, मैदा जितना अच्छा स्ट्रेच होगा उतने कम मैदे से हमारी रेसिपी ना बन जाती है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस फूड रेसिपी बनेगी। और ये मेरी विलेज फूड रेसिपी है और एकदम देसी कुकिंग स्टाइल में बता रही हूँ आपको, जो
ना बहुत ऑथेंटिक स्टाइल में ही रहते हैं। ज़्यादातर ये पनीर के स्वीट्स बनते ही नहीं हैं, आजकल बन रहे हैं, पहले के समय में ना ये बनते नहीं थे, तो हमारे यहाँ ऐसे ही स्वीट्स बनते थे। तो इस ये स्वीट ना जो सूजी अप्पालू है, स्वीट कचौरी जो है, वो जैसे हमारे यहाँ मैरिज एनिवर्सरी रहे, किसी का बर्थडे रहे, तो उस समय भी बनता है। तो फ्रेंड्स, बातों बातों में देखिए, मैंने पूरी मैदे के आटे को भी हमने 7 बॉल्स में डिवाइड कर लिया है। अब इस तरह से हम हाथ में हल्का सा तेल लगाकर हम इस पूरी को हाथ में टैप कर लेंगे, और जो हमने अभी हलवा जो बॉल बनाया था उसे हम इस तरह से पूरी के बीच में रख कर अब इस पूरी को हम पूरे हलवा के ऊपर कवर कर देंगे, यानी कचौरी के जैसे इसे हम फील करके बंद कर देंगे, क्योंकि ये स्वीट कचौरी है, समझ लीजिए स्वीट कचौरी है। तो अब मैं इसका यही नाम दे रही हूँ, आप मुझे अगर आपको कोई नाम मालूम हो तो मुझे बता दीजिएगा। और हम चारों तरफ से इसे फील कर इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। और मैं मैं भूल गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा तेल लेके आ जाती हूँ, और तेल लगा के अब इस प्लेट में हम इसको रखेंगे। तो ऐसा मैंने क्यों किया है आपको समझ में आ गया होगा, तो मुझे तुरंत कमेंट कीजिए। अगर नहीं आया तो मैं एक मिनट में बताती हूँ। अब दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ ना, तेल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी जब तक के ये पूड़िया मैं बाइंड करूँगी, बॉल्स बनाऊँगी, तब तक के थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा, तो हमारा जो वर्क है वो जल्दी हो जाता है। ये छोटा सा किचन है कि जब भी हम कोई किचन में रेसिपी बनाते हैं फ्राइड आइटम, तो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, गैस को चला, गैस के ऊपर हम कढ़ाई रख कर ऑयल डाल देंगे, और सिम में रख लेते हैं ना फ्लेम को, तो तेल हमारा धीरे धीरे गर्म होता है, तब तक कि हम रेसिपी को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बहुत सेव होता है। तो ये जो किचन है क्या बिगिनर्स के लिए यूज़फुल होगा, जो अभी अभी किचन में नई नई रेसिपी बनाना ट्राई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जिन्हें मालूम है आप मुझे कमेंट करिएगा कि कितनों को ये पहले से मालूम है। तो फ्रेंड्स, अब हम तीसरा किचन है कि ये है कि जब मैं ये पूरी को टैप कर रही थी, तो हाथ में मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके मैं इस तरह से पूरी को टैप करके अपना इस हलवे को इसमें मैं स्टफ कर रही हूँ। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किचन में काम वर्क करते हैं, और उन्हें ये स्टफ़ करना आ जाता है इजीली, पर बिगिनर्स को ऐसे नहीं आता है। तो बिगिनर्स के लिए भी मैं एक और आइडिया दिखा देती हूँ। तो हम इस तरह से हल्का सा बेल कर उससे भी हम इस तरह से स्टफ़ कर सकते हैं, तो ये बिगिनर्स के लिए। तो हमें कोई गोल मटोल पूरी एकदम राउंड हमारे अर्थ के जैसे नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा कॉर्नर से भी उल्टा ज्योग्राफी बन जाए तो चल जाएगा। तो उसमें हमने हलवे को एक रख लिया है, एक हलवे के बॉल को, और इस तरह से कॉर्नर से हम उठाते हुए आटे को एक पॉइंट पे लाकर टैप कर देंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से हम उठाकर उसे कवर कर देंगे, तो ये बीच में हमारा हलवा स्टफ हो गया है। इस तरह से मैंने अब बाकी को भी बना लिया है, और इस तरह से गोल गोल आप एक बार हाथों से उसे टैप करते हुए शेप दे दीजिएगा, गोल गोल राउंड बना लीजिएगा। अब उसके बाद हम जिस प्लेट में हमने ऑयल अप्लाई किया था उसमें मैंने रख लिया है। अब इसी तरह से मैंने बाकी को भी बना लिया है। अब तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 7 बॉल्स बनेंगे। तो मैंने जो मेजरमेंट कप लिया था, 125 ग्राम का जो कप रहता है, मैं उससे बता रही हूँ, मैंने उससे बनाया। तो उससे मैंने 1 कप मैंने सूजी लिया है, सेमोलिना लिया है, और 2 कप्स उससे मैंने जैगरी लिया है, और उसी कप से हमने 3 कप वाटर ऐड किया था, वाटर और मिल्क, और उसी कप से हमने 1 कप मैदा ऐड किया था, यानी ये 125 ग्राम के कप से मैं बता रही हूँ। अगर आप तो अब हम इन स्टफ्ड हलवा बॉल्स को 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं, और दूसरे तरफ हमने जो ऑयल गर्म करने के लिए रखा है, देखते हैं कि वो गर्म हो गया है कि नहीं। ये मेरा सेसमे सीड का ऑयल है, और एज यूजुअल आप सबको मालूम है हेल्दी ऑयल से हेल्दी कुकिंग रेसिपी बनती है, और ये मेरा सेसमे सीड का ऑयल है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने जो ये हलवा स्टफ्ड बॉल्स हैं, स्टफ्ड हलवा बॉल्स मैंने बाजू में रखे थे, वो सेट हो गए हैं। तो उसे अब हम प्लेट में से इस तरह से एक मेरे टेबल टॉप के ऊपर मैंने उसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उसके बाद हम इसको छोटे छोटे से पूड़ियों के शेप में बेलेंगे। तो इसके लिए आप किसी भी बेलना का हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते, टैप करके भी कर सकते। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। तो ये तो उनके लिए है जो बिगनर्स हैं,
क्योंकि वो हाथों से भी टैप करने में डरते हैं, तो पहले हम हल्का से एक बार बॉल को टैप करके इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, यानी एकदम प्रेशर नहीं देंगे, हल्के हल्के हाथों से हम पूरी को जितना हो सके गोल बेलेंगे और उसका, और इस तरह से हम उसी प्लेट में जिसमें मैंने पहले ऑयल अप्लाई किया था ना, उसी प्लेट में मैं उन्हें सब बेल के रख लूँगी। तो अब मैं आपको दूसरा वाला हाथों से टैप करके दिखा रही हूँ ताकि आप उसका थिकनेस भी देख सकें। तो फैमिली मेम्बर्स, अगर आप बेलना से नहीं उसे बेल सकते हैं तो इस तरह से हाथों से भी हम उसको टैप कर सकते हैं। जनरली हम लोग इसको बेलते नहीं हैं, हाथों से ही टैप करके बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए बेल कर भी दिखा, तो हमें इसे बेलने की ज़रूरत नहीं रहती है, हाथों के हेल्प से इस तरह से टैप करते हुए जैसे ज्वार की रोटी या फिर रागी रोटी बनाते हैं ना हाथों से टैप करते हुए, उस तरह से हम इस स्वीट कचौड़ी को भी हम हाथों से टैप करते हुए बना सकते हैं। पर जो बिगनर्स हैं अगर वो ट्राई करना चाहे तो देखिए मैं उनके लिए स्लो मोशन में दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम एक हाथ से टैप करेंगे और दूसरे हाथ से जहाँ शेप नहीं आ रहा है उसे राउंड करते जाएंगे। तो ऐसे करने से होगा क्या ना हमारी पूरी, तो इस तरह से हम हाथों की सहायता से हेल्प लेते हुए हम इस तरह से राउंड राउंड बना लेंगे पूरी पूड़ियाँ जितनी बनी है। तो मैं तो कम दिखा रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लार्ज स्केल में भी बनाते हैं तो आप इस तरह से टैप कर सकते हैं। पहले के समय पर तो हम लोग केले के पत्ते के ऊपर इस तरह से टैप करके बनाते थे, तो पर जब मैं ये बनाई थी रेसिपी उस दिन मेरे पास केले के पत्ते नहीं थे, तो फिर मंगवाने में समय, तो उस समय मेरे पास मंगवाने का भी समय नहीं था, तो मैंने इस तरह से अपने किचन टॉप के ऊपर मैंने टैप करते हुए बना लिया, क्योंकि थोड़े से ही थे। अगर ज़्यादा रहते हैं तो हमें केले के पत्ते के ऊपर बनाने से ना बहुत अच्छा उसका जो केले के पत्ते का फ्लेवर भी हमारी इस रेसिपी में आता है। इस तरह से हम सभी पूरियों को बेल लेंगे। अब हम फ्राइंग पैन के पास चलते हैं और हमारा तेल अच्छे से धुआं आ रहा है, उसके बाद उसमें मैंने एक पूरी को ड्रॉप कर दिया है। अब देखिए अब तेल कितना गर्म है कि झाग नहीं बन रहा है और ऊपर उफन नहीं रहा है। जब भी हम हेल्दी ऑयल्स को यूज़ करते हैं तो वो पूरा गर्म होकर धुआं आने के बाद ही हमें उसमें रेसिपी बनाना चाहिए। तो उस तेल को हम ऐसे धुआं आने तक के अगर हम गर्म कर लेते हैं तो फिर तेल उफनता नहीं है, यानी जैसे दूध उफन के बाहर आ जाता है ना, उस तरह से कढ़ाई में से तेल उफन के बाहर आ जाता है। तो जब भी हम इस तरह से हेल्दी ऑयल से अगर बना रहे हैं रेसिपी तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पहले झाग आ जाए उसके बाद ही रेसिपी बनानी चाहिए। तो देखिए मैंने एक सूजी अप्पालू को स्वीट कचौड़ी को उसमें मैंने डाला और देखे कितना अच्छे से फुले फुले आ रहे हैं ना। तो ये हलवा जो स्टफ्ड कचौड़ी है हमारी स्वीट कचौड़ी है इसी तरह से एकदम फुले फुले आते हैं, तो इसको हम लोग सूजी अप्पालू बोलते हैं ना, तो ये दशहरा में भी बनता है। तो इस तरह से एक के बाद एक आप, तो फैमिली इस तरह से हम वन बाय वन एक एक पूरी को ड्रॉप करते हुए हम इसको छान लेंगे। तो बीच बीच में देखिए हम पूरी डालने के बाद करछे की हेल्प से हम थोड़ा सा ऑयल उस पूरी के ऊपर पोर करेंगे जिससे कि ऊपर भी अच्छे से फुलेगा और इस तरह से हमारी सभी पूरियाँ बन जाएगी। मैंने और एक सूजी की रेसिपी भी तो अगर आप उस रेसिपी को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो अगर आप सूजी का हलवा पसंद करते हैं तो वो रेसिपी भी मैंने अपलोड कर दी है, मैं उन सब का लिंक आपको दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो सूजी अप्पालू है कितना अच्छा देखिए एकदम फुले फुले आ रहे, आपको एक भी सूजी अप्पम फ्लैट नहीं आएगा। तो ये जो हमारी स्वीट कचौड़ी है खाने में टेस्टी है, बनाने में ईजी है और आप इसका गुड लुकिंग टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट आया है। तो फैमिली मेम्बर्स, ये मेरी विलेज फूड रेसिपी है जो हम लोग देसी स्टाइल में हमने अभी आज बनाया है। तो इसमें हमने किसी भी प्रकार के कोई भी हमने स्पाइस या मसाले आज हमने किचन में यूज़ नहीं किए। दक्षिण के स्वाद में जो आज रेसिपी बनी है वो स्वीट कचौड़ी बनी है जो इतनी स्वादिष्ट है कि आप इस रेसिपी को 4 दिन तक के रख सकते हैं। एक बार बना लो तो आराम से 4 से 5 दिन रहता है, आप बच्चों के बॉक्स में भी रख सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं, आने वालों को भी खिला सकते हैं। और ये रेसिपी इतनी ईजी है ना कि पहले आटा लगा लो फिर सूजी का हलवा बनाओ और जब तक के हलवा सूखता है तब तक के आटा हमारा रेस्ट कर लेता है और फिर जब तक के आटा लोई बनाते तब तक के हलवा रेस्ट कर लेता है। टोटल ये पूरा मिला के आपको ये रेसिपी, तो आप इस तरह से अगर प्लानिंग करके बनाते हैं तो 15-20 मिनट आराम से बन जाता है। त्योहारों के समय जब हमारे पास समय ना हो, रोटी पराठा पूरी बनाने का समय ना हो, तो आप इस तरह से हलवा पूरी बना लीजिए एक ही साथ
टू इन वन है, तो इसका गुड लुकिंग टेक्सचर देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को आपके अपने चैनल दक्षिण के स्वाद को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दक्षिण का स्वाद। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और मैं बताना भूल गई हूँ कि अगर आप कोई अपनी रेसिपी, सीक्रेट रेसिपी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल दक्षिण के स्वाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं उसे बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओनली